महुदा थाना क्षेत्र में अवैध उत्खनन में मासूम बच्ची तथा युवक की मौत के बाद थाना प्रभारी हो गए हैं गायब। स्थानीय ग्रामीण थाना पहुंचकर किए कार्रवाई की मांग। मौत का जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन पर लगाया आरोप। अवैध कारोबार रोकने वाले को मिलती है धमकी। धनबाद जिले के खासकर बागमारा अनुमंडल में फलफूल रहा है अवैध कोयले का कारोबार। नरसा खान दुर्घटना में कई मौतों के बाद भी प्रशासन BCCL सीख नहीं ली। महुदा थाना क्षेत्र के लौपिट्टी में अवैध उत्खनन में चाल धंसने की घटना हुई, जिसमें 14 साल की मासूम बच्ची के साथ एक युवक की मौत हो गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। महुदा थाना दर्जनों ग्रामीण पहुंचे, लेकिन थाना के थाना प्रभारी गायब पाए गए और ना ही फोन रिसीव किया गया। अवैध कोयला उत्खनन रोकने को लेकर पूर्व में कई बार लिखित रूप से शिकायत के बावजूद महुदा पुलिस इसे रोकने एवं कार्रवाई करने में गंभीरता नहीं दिखाई। अगर पुलिस गंभीरता पूर्वक इसमें कार्य करती तो आज दो लोगों की जान नहीं जाती। स्टार सिटी 24 को इसकी भनक 3 दिन पूर्व ही हो चुकी थी, जिसके अवज में महुदा थाना प्रभारी से संबंध में बात कर सूचना देनी चाहिए तो प्रभारी द्वारा साफ शब्दों में कहा गया कि हमारे क्षेत्र में कोई भी अवैध कार्य नहीं किया जा रहा। और भी सवाल करने पर वे पेशाब करने के बहाने अपना ऑफिस छोड़कर भाग खड़े हुए। अगर स्टार सिटी 24 के पूर्व अनुमान को गंभीरता से लेते तो आज शायद दो की जान बच जाती, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से ना लेकर अपने जेब भरने का कार्य को प्राथमिकता दी। आज के अवैध उत्खनन में दो की गई जान के सिलसिले में स्थानीय ग्रामीण घटना के जिम्मेदार हेमंत सरकार तथा महुदा पुलिस को ठहरा रही है। वही ग्रामीणों ने कहा कि इसे रोकने के लिए रमलोग रात भर जाग कर अवैध कोयला लोड वाहनों की पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस कारण अवैध कोयला कारोबार करने वाले लोगों के द्वारा धमकी मिल रही है। थाने में कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं किया गया। वहीं सांसद से टेलीफोनिक पूछने पर बताया कि अगर स्थानीय प्रशासन इस अवैध कार्य पर अंकुश नहीं लगाती है तो मैं खुद खड़ा होकर इस अवैध कार्य को बंद करूंगा। मैं स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूं कि क्षेत्र में हो रहे अवैध कोयला के कारोबार को बंद कराया जाए, अन्यथा हमें मजबूरन आकर अवैध कार्य को बंद करना होगा और महुदा क्षेत्र में बने अवैध कोयले के मुहाने को बंद करने का कार्य करना होगा, ताकि आगे इस तरह की किसी की जान न जाए। इसलिए जमा है चूँकि आज जमडीहा लौपिट्टी कोलियरी के अंतर्गत जमडीहा में आपका अवैध उत्खनन में दो आदमी का जान चला गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़ा है। और प्रभारी का कहीं अता पता नहीं है, हम लोग भेंट करने के लिए है तो पते नहीं चल रहा है, या कोई सक्षम पदाधिकारी नहीं है जिससे हम लोग वार्ता कर सकें, बात कर सकें। कितना देर से पदाधिकारी? ये तो सुबह का 10:30 बजे का घटना है, तब से ही तो संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई नहीं है। हम लोग यहाँ सुबह से ही थाना का चक्कर काट रहे हैं। आखिर क्यों आए, प्रभारी से मिलने क्यों आए? इसलिए चूँकि इस पर कार्रवाई हो। कार्रवाई अगर नहीं होगा तो ये कोयला माफिया जिस तरह से खुलेआम बेधड़ल से चला रहा है, ये तो कुछ दिन में हम लोग को शमशान बना के छोड़ देगा हमारा क्षेत्र को, और लोगों का जान माल का कोई सुरक्षा ही नहीं है। हमने 14/12/2021 को सांसद महोदय को प्रेषित था, उससे हम रिलेटेड सांसद प्रतिनिधि होने के कारण हम उपायुक्त को हमने चिट्ठी दिया था। उसके बाद हमने 24/12 को हमने धरना प्रदर्शन के माध्यम से थाना को सूचित किया था कि अवैध माइनिंग चल रहा है, इसको बंद किया जाए, कभी भी घटना दुर्घटना घट सकता है। उसके बाद फिर से पब्लिक पिटीशन आया हमारा सांसद महोदय के नाम पे। सांसद महोदय दिल्ली होने के कारण फिर से हमने उपायुक्त महोदय को 7 तारीख को हमने फिर से सूचना दिया, और उससे पहले DSP मैडम को दिए थे हम लोग 5 तारीख को दिए थे, और 5 तारीख से ही हम लोग रात्रि पहरा पूरा ग्रामीण 150 आदमी पूरा रात्रि पहरा हम लोग कर रहे हैं। हीरक रोड में हम लोग रहते हैं और अवैध माइनिंग को हम लोग, जो भी कोयला माफिया का गाड़ी जा रहा है उसको हम लोग रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन उधर नहीं जाके दूसरा साइड इन लोग किया और दूसरा साइड करके फिर देखिए ये जान माल का क्षति हुआ, दो आदमी का ऑन द स्पॉट डेथ हुआ है। जिम्मेवार किसे मानते हैं? जिम्मेवार तो यहाँ प्रशासन ही और सरकार है, सबसे पहला कहा जाए तो सरकार है, क्योंकि हेमंत सरकार तो खुल्ला छूट दिया है कोयला माफियाओं को कि लूट लो जितना सकता है सो, ये लूट का सरकार है। हम तो सारा जवाबदेही हम हेमंत सरकार को देंगे। हेमंत सरकार का सारा पदाधिकारी हेमंत सोरेन के इशारे पे चल रहा है, और उसको यहाँ से मोटा मंथली धनबाद से जा रहा है। अब क्या चाहते हैं मृतक के परिजनों के लिए, क्या आप लोग मांग? सबसे पहला तो दुख प्रकट करते हैं कि जिसका घर परिवार में गया है सो वो गलत हुआ है, और चंद सिक्कों का लालच देके, हमने लिखा है स्पष्ट, चंद सिक्कों का लालच देके वहाँ कोयला माफिया भोले भाले ग्रामीणों को, गरीब ग्रामीणों को
मजदूरी करने के लिए उन लोग अंदर मैंने मौत के मुहाने में घुसाता है और वहाँ से कोयला निकालता है, जिसका परिणाम आज है। नाबालिग भी है, एक 14 साल की बच्ची है, उसका भी बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो भी डेथ कर गई है। तो इसका मतलब है कि उस अवैध कोयले कटाई में नाबालिगों को भी ले जाया जाता है। नाबालिग नहीं अगर जाता है तो कैसे मौत हो गया, स्वाभाविक है। जो पकड़ा गया तो चोर, नहीं पकड़ा है तो एक हम लोग का मैंने बंगला में कहा होता है, धोरले चोर नहीं तो गागाई मोर। तो अब जब पकड़ा गया है, जो 14 साल का बच्ची का मौत हो गया है ऑन द स्पॉट, तो स्वाभाविक है। छोटे छोटे बच्चों को भी इस धंधे में लगा दिया है कोयला माफिया लोग। ये तो मिली भगत है इन लोग का, ये चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं। कुछ दिन और चलेगा इन लोग का, अभी कुछ घंटा बाद फिर फटाछेप हो जाएगा, पता चलेगा कोई नहीं मारा था, इतना इतना वीडियो चल रहा है, इतना इतना जो सोशल मीडिया में आ गया है, पता चलेगा नहीं नहीं वो कुछ नहीं हुआ था, वहाँ सिर्फ कपड़ा मिला हमको, सब भाग गया था, वैसा कुछ नहीं था। तो प्रशासन का कहना है कि वो अवैध माइंस नहीं है, वो कोयला चुनने वाले लोग थे। कोयला चुनने वाले कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, कैसे मान लेंगे? खुल्लम खुल्ला गाड़ी चलता है यहाँ पे, लोहा कोयला का छूट है, और कैसे मान लेंगे कि हम कोयला चुनने के लिए गए? कोई कोलियर ही है का जो चुनने के लिए गया था? स्वाभाविक है, जब से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हीरो क्राउड में, हम लोग 150 लड़का रहते तो लोगों माफिया लोगों का तरफ से हम लोग को सूचना मिलता है कि जितना आदमी है उतना गाड़ी जाके उठा के चल देंगे, उतना जितना आदमी 50 लड़का है 100 लड़का है तो 100 गाड़ी जाएंगे, एक एक लड़का को उठाएंगे चल देंगे। किसी को भी कहीं भी हमको धमकी मिल रहा है कि गोली मार देंगे तो उठवा लेंगे, नरेश महतो क्या है, कुछ नहीं है। और इस तरह से ये कोयला माफिया लोग हैं जिसके विरुद्ध हम कर रहे हैं। हम तो देश हित में कर रहे हैं, हम राष्ट्र हित में कर रहे हैं कि कोयला जो राजस्व जो है राज्य का हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद हम ही लोग को धमकी मिल रहा है। प्रशासन से हम लोग शिकायत किए हैं, लेकिन वैसा कुछ अभी तक हम लोग को आश्वासन भी नहीं मिला है, कुछ नहीं हुआ है।